किसी भी तरह का फूड बिजनेस यानी ऐसा बिजनेस करने के लिए जिसमें खाने पीने की चीजें शामिल हो, फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है। चाहे आप खाने पीने की चीजों का कोई ठेला लगाएं या कोई फेरी करें, या फिर आपका कोई ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या कोई चिकन मटन या फिश शॉप हो, आपको फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेने का कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है। इसके लिए आपको कहीं जाने की या कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ ही फीस भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। 1 नवंबर 2020 से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का न्यू पोर्टल लॉन्च हो गया है। अब सभी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन उसी पोर्टल से बनेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको फूड लाइसेंस लेने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसको पहले से काफी बेटर बनाया गया है। अब सभी लाइसेंस यहीं से बनेंगे और यहीं से उनका रिन्यूअल होगा। तो पहले हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसके लिए यहाँ फी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप के बिजनेस पर आपको कितनी फीस देनी होगी। जैसे कि पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जैसे कि फेरी वाले या रिटेल शॉप वाले, जैसे कि गोलगप्पा स्टॉल, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वेंडर्स, स्नैक स्टॉल, टी स्टॉल, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, रिटेल शॉप, टेम्परेरी फूड स्टॉल्स जैसे कि चाइनीज फूड स्टॉल, साउथ इंडियन फूड एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए अगर आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है तो आपको सिर्फ 100 रुपए की फीस देनी होगी। नीचे यहाँ पर डेयरी लाइसेंस के बारे में बताया गया है। अगर आप दूध का काम करते हैं और अगर आप एक दिन में 50,000 लीटर से ज्यादा दूध सेल करते हैं तब आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, जिसकी फीस है 7,500 रुपए। लेकिन अगर आप एक दिन में 10,000 से लेकर 50,000 लीटर के बीच में दूध सेल करते हैं तब आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए फीस रहेगी 5,000 रुपए। और अगर आप एक दिन में 500 से लेकर 10,000 लीटर पर डे मिल्क सेल करते हैं तब आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए आपको 3,000 रुपए फीस देनी होगी। लेकिन अगर आप एक दिन में 500 लीटर तक ही दूध सेल करते हैं तब आपको 100 रुपए फीस देनी होगी। इसी तरह से अगर आपको स्लॉटरिंग हाउस या मीट शॉप, चिकन शॉप, मटन शॉप, इस तरह की शॉप के लिए कोई लाइसेंस लेना है तो उसकी डिटेल्स आप यहां देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 50 से ज्यादा बड़े जानवर है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, और अगर आपके पास 3 से 50 बड़े जानवर है तब आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 बड़े जानवर है, 10 छोटे जानवर है तब आपको सिर्फ 100 रुपए फीस देनी होगी। इसी तरह से अगर आप स्टोरेज का बिजनेस करते हैं तो उसकी भी डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं, और नीचे स्क्रॉल करते जाइए आपको सभी डिटेल्स यहां पर मिल जाएगी कि होलसेलर को कितनी फीस देनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी फीस देनी होगी, सप्लायर को कितनी फीस देनी होगी और रिटेलर को कितनी फीस देनी होगी। तो इस पीडीएफ में आपको सभी टाइप्स के बिजनेस के लिए लगने वाली फीस की डिटेल्स मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके इसमें जो भी बिजनेस आप रन करना चाहते हैं या आपने रन किया हुआ है उसकी फीस आप देख सकते हैं। नए लाइसेंस के लिए आप यहां साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको ये साइन अप फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आप अपना नेम, ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी आपको क्या रखनी है, पासवर्ड, और पासवर्ड को दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा। आप यहां कोड डालकर सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए इसमें यहां पर आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही टाइप करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहीं से नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यहीं से आप रिन्यूअल और मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं, और अगर आपको अपना लाइसेंस सरेंडर करना है या ट्रांसफर कराना है वो भी आप यहीं से करा सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहीं से आप कंप्लेन भी
कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ दिल्ली। आपके सामने सभी बिजनेस कैटेगरीज आ जाएंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको चूज करना होगा कि आप किस बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, फूड सर्विस, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, ई कॉमर्स, हेड ऑफिस एक्सेट्रा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई रिटेलर है तो आप यहाँ रिटेल पर क्लिक करेंगे। आप किस तरह के रिटेलर हैं वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ रिटेलर। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर 20 करोड़ रुपए तक है तो ये वाला ऑप्शन, और अगर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये कैटेगरी आपको सभी बिजनेस में मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं कि 20 लाख रुपए तक टर्नओवर है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि इस बिजनेस के लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा या आपको लाइसेंस लेना होगा। तो जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईशान फूड शॉप। नीचे यहाँ पर डेजिग्नेशन आपको डाल देनी है, इंडिविजुअल है, पार्टनर के साथ है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देना है, जहाँ पर भी आपका ये फूड बिजनेस है। यहाँ पर आपको शॉप का या जहाँ पर भी आपका बिजनेस चल रहा है या चलेगा वो एड्रेस डालना है। अगर आपका एड्रेस और आपके बिजनेस का एड्रेस सेम है तो आपको यस कर देना है, और अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी होगी, जिसमें यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम डालेंगे कि किससे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि लाइसेंस आपको कितने सालों के लिए चाहिए, तो आप मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं 1 ईयर। जितने टाइम के लिए भी आप लाइसेंस लेंगे उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना होगा। अब यहाँ पर आपको फूड कैटेगरी चूज करनी है कि आप कौन कौन से फूड सेल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बेकरी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप बेकरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर चूज करेंगे और सेव एन एड पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर आप एग्स या एग से बने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सेव एन एड पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ लिस्ट से आप चूज कर लेंगे कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर आपके पास फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स है यानी FCM नंबर है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट डेट डाल देनी है। वाटर सप्लाई का सोर्स क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है या कोई और है, वो आप चूज कर लेंगे। जैसे कि हम प्राइवेट चूज कर लेते हैं। फूड आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या बिजली यूज होती है, अगर होती है तो आप यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि हमारे केस में एक फोटो मांगा गया है तो यहाँ पर हम फोटो अपलोड करेंगे, जिसके लिए चूज फाइल। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो व्यू पर क्लिक करके अपना फोटो देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा, तो आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आईडी दे सकते हैं। जैसे कि हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, जैसे कि हेल्थ एनओसी या फिर म्युनिसिपैलिटी से ली गई एनओसी, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि आपके बिजनेस के लिए ये जरूरी है या नहीं, आप यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे। इसमें आप चूज करेंगे आप लाइसेंस ले रहे हैं या रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि हमारे केस में रजिस्ट्रेशन है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोटो, एक आईडी कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, मतलब कि हमें कोई एनओसी देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर शो होता है तब आप यहाँ पर एनओसी भी अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और नीचे यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो जिस बिजनेस के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस आ जाएगी। जैसे कि हमारे केस में है 100 रुपीज। पे करने के 2 ऑप्शन है, ये तो आप SBI चालान से कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ऑनलाइन चूज कर लिया है। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर का नेम डालकर पे पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फीस ब्रेकअप आ जाएगा। गेटवे चार्ज है 45 पैसा, तो टोटल 145 पैसा पे करना होगा। पे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपकी रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी। इस रिसीप्ट को अगर आप चाहें तो यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। और अगर आपको अपनी एप्लीकेशन देखनी है तो आप यहाँ व्यू प्रिंट लाइसेंस एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं।
जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। आप यहां से प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें यहां पर एक रेफरेंस नंबर दिया गया है, इसको आप कॉपी करके रखेंगे। इससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का। किसी भी टाइम अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप यहां पर रेफरेंस नंबर डालेंगे, यहां पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। यहां पर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे ही आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा तो आप यहां इशूड पर क्लिक करेंगे अपने डैशबोर्ड में, और यहां पर आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके लाइसेंस की डिटेल्स आ जाएगी। यहीं से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसी भी फूड बिजनेस के लिए लाइसेंस लेने का। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की या कहीं भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं पर ऑनलाइन पेमेंट करना है और पूरा प्रोसेस यही ऑनलाइन कंप्लीट किया जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि फूड लाइसेंस कैसे लिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।